आप ये मस्जिद की ज़्यारत कर रहे हैं। ये मस्जिद है अपना हमजा इस्लाम के कब्र के पास एकदम, और ये हम पहाड़ पे खड़े हैं। पहाड़ पर बहुत सी है और ये देख सकते हैं। इनका ये वाक्य है कि इन्होंने जब मतलब जंग लड़ते लड़ते शहीद हुए, तो मतलब जैसे कि इनका इंतकाल होते सब सोचे कि इनके जनाजा के लिए ले जाए जाए, तो ले जाया जा रहा था, तो उनके साथ साथ पहाड़ भी चलने लगा था। हमें ऐसे ही मालूम है, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। पर यहाँ पर देखो, अभी बता रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं, दिखाते हैं हम आपको, क्या अभी दिखाते हैं, नीचे सिखा रहे हैं कि क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ था। उसके बाद यहाँ पर 20 मिनट का टाइम मिला है, चलिए देखते हैं। वो वहाँ से ऊपर से हमने दिखाया था, आपको नहीं दिखी थी। ये 3 कमर हजरत हमजा की है, मतलब हजरत हमजा की है, उसके बाद उनकी हजरत उमैर की है, और हजरत हमजा रजी अल्लाह की, उनके बाद फिर ये उनके साहबों की है, ये जो 70 सहाबा शहीद हुए थे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या था कैसे था। हज़रत सल्लम ने खुद फरमाया था कि अगर कोई बंदा यहाँ पर आके दुआ मांगेगा तो इंशाल्लाह कबूल होगी। यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, दुआ भी मांगते हैं, और माशाल्लाह से हमने भी दुआ मांगा, अल्लाह कबूल करे। और ये 70 सहाबा की जो उनके साथ के वक्त ऐसा हुआ था कि एक ग़ुलाम था जो कि मतलब घात लगाया हुआ बैठा था, तीरंदाज जो अंदाज था, मतलब वो जिनसे इनकी जंग थी, तो उसने तीर चलाया तो डायरेक्ट जल सलाम के सीने से पीछे तक चला गया। और वहाँ पर वो एक औरत आई, उनका नाम था उनको नहीं मालूम, जो आई उनका सीना चीर के दिल निकाल के सब आ गई और कही कि मैंने अपना वादा पूरा कर लिया, अल्लाह माफ़ करे। और बताते हुए हमको अजीब लग रहा है, तो हुआ होगा तो कैसा लग रहा है। अल्लाह ताला हम सबकी मगफरत फरमाए, और इन्हीं की वजह से आज हम लोग हैं, जिन जीवों ने इस्लाम फैलाया, इस्लाम के लिए इतना जंग किया। अल्लाह ताला इन सबको जन्नत करवट करवट जन्नत अता फरमाए। चलते हैं हम मदीना मुनव्वरा की तरफ, भी ज़्यारत कर लें, हम भी कर लें, चलिए इंशाअल्लाह मिलते हैं।